हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लीडर्स के बारे में, तो इसी में हमने आगे जो लीडर्स है हमने गाया था। और सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं सरगम की। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सरगम जरूर करना चाहिए। बात करते हैं सॉन्ग की, प्रेयर की। लीडर सेवन ली फादर लीडर्स और द वर्ल्ड टेम्पर जस्ट सी गाइडस गाइडस कीपर्स फीडस फॉर मी हैव नो हेल्प बट दी येट पोसेसिंग एवरी ब्लेसिंग कीपर गॉड आवर फादर बी God our Father be Savior that forgiveness o'er us all our weakness thou dost know thou didst feel this earth before us thou didst feel his keenness woe lone and dreary ठीक है। तो इस तरह से हमने ये गाना, मैं आपको बार बार ताकि आपको ये बैठ जाए, एक बार ही सुनेंगे अच्छे से तो आपको जरूर ये करने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो मैंने पिछले से लाइन में भी बताया था कि आपको लीडर्स के बारे में कैसे है ना, याद है ना। तो अब मैं बताता हूं आपको सेवंथ लाइन, वही सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवियर ब्रेथ फॉरगिवनेस ओवर अस, ठीक है। सी ई सी एफ 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 जी बी जी, ठीक है। ऑल आर वीकनेस थाउ डज नो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं लाइनें, जो मैंने बोला कि स्वर वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेवियर ब्रेथ, सेवियर ब्रेथ फॉरगिवनेस ओवर अस, सी ई सी एफ एफ जी बी जी, ऑल आर वीकनेस All our weakness thou dost know। ठीक है, नाइंथ लाइन। Thou didst create this earth before us, C E C F F F G B G, ठीक है। Thou didst feel his keenness woe। हाँ, एक बार शुरू से करते हैं, सेवियर से। सेवियर ब्रेथ फॉरगिवनेस ओवर अस, ठीक है। लाइन मैंने आपको बता दी है, सी 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 ई सी एफ, यही है, कोई वो अलग नहीं है,
जो आपने में पहला अंतर आपने किया था लीडर्स वाला, वो सेम वही सिक्स के बाद में जो फर्स्ट लाइन आती है वही आपकी सेवन्थ लाइन है, सेकंड जो लाइन आती है वही आपकी एट्थ लाइन है, और थर्ड लाइन जो आती है वही आपकी नाइन्थ लाइन है, और फोर्थ जो लाइन आती है वो आपकी टेंथ लाइन है, और फिफ्थ जो लाइन आती है वो आपकी इलेवंथ लाइन है, और सिक्स लाइन जो है वो आपकी ट्वेल्थ लाइन है। तो इसमें कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, मैं आपको पहली लाइन बताता हूँ और ठीक है, और उसी में आपको सेवंथ लाइन बताता हूँ कैसे। है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका वर्ड्स, लीड अस हेवनली फादर, लीड अस सी सी एफ एम जी बी जी, हाँ सेवियर का, सेवियर ब्रेड फॉरगिवनेस फॉर अस, ठीक है, कैसे था बी एफ बी, हाँ All our weakness, how does no, ये एट लाइन आपकी, ठीक है, यानी कि जो सेकंड लाइन थी वो एट लाइन है आपकी, all our weakness, how does no, नाइन्थ लाइन देखते हैं, Thou didst lead this earth, guide us, क्योंकि वो थर्ड लाइन है इसलिए हमें वो हम नाइन्थ पे कर रहे हैं, कैसे, हाँ हाँ नाइन्थ देखते हैं हम कैसे, Thou didst lead this earth before us, Thou didst lead this earth before us, सेम है वो, सी सी एफ एम एफ जी बी जी, यही है, ठीक है, नाइन्थ लाइन, नाउ डिड दिस आर बी फॉर अस, अब टेंथ लाइन, थाउ डिड स्पील स्किन अस वो बी बी सी बी 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 सी बी जी बी जी एफ एफ, जी बी 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 सी बी 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 सी बी जी एफ एफ, है ना। उसके बाद देखते हैं इलेवेंथ लाइन, लोन एंड रेरी जी बी बी जी जी बी बी जी, लोन एंड ट्वेल्थ लाइन, थ्रू द डेजर्ट हाउ दिस गो सी 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 सी, एक ही स्वर पर सारा है, यानी कि सी शार्प पे, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड, क्योंकि दो बार गाई जाती है, परी सिंपल, और उसके बाद में वापस आने के लिए जोड़ने के लिए कैसे, हाँ जैसे कि हम सिक्स लाइन गाई थी, ई फॉर गॉड आवर फादर बी, ई फॉर गॉड आवर फादर बी, यानी कि ट्वेल्थ में भी देखते हैं, थ्रू द डेजर्ट हाउ दिस गो, थ्रू द डेजर्ट हाउ दिस गो, थ्रू थ्रू द डेजर्ट हाउ दिस गो, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सी 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 बी जी बी जी एफ, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला करना है, ठीक है, ट्वेल्थ लाइन क्लियर हो गई। अब आपको एक बारी गा लेते हैं सारा, देखिए कैसे गाते हैं, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं, पहली लाइन बोलता जाऊंगा मैं, लीडस हेवन दी फादर लीडस, सेकंड लाइन, और द वर्ल्ड टेंपल्स सी, ठीक है, थर्ड लाइन,
guard us, guide us, keep us, feed us. Fourth line. For we have no help but thee. For we have no help but thee. Fifth line. Yet possessing every blessing. Fifth line. Sixth line. If our God our Father be, if our God our Father be. ठीक है. Seventh line. Savior breath forgiveness for. हाँ sorry. Savior breath forgiveness for us. All eight line. All our weakness thou dost know. Thou didst treat this earth before us. Thou didst feel his skin as woe. Tenth line. Lone and dreary, faint and weary. Eleventh line. Twelfth line. Through the desert thou didst go. Twelfth line. Through the desert thou didst go. तो मुश्किल कुछ भी नहीं है. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर आएगा. और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट में आप ये गाना मुझे जरूर भेजिएगा. और चाहे एक लाइन ही भेजे जरूर भेजें. और वही प्रैक्टिस करने के बाद हमें जरूर अच्छे से हाथ धोना है 20 सेकंड के लिए. और घर से बाहर नहीं निकलना है. घर में ही बैठ के पढ़ाई करना है. और जब भी बाहर निकलें, मम्मी पापा अगर कोई सामान लेने के लिए जाए तो उनको याद जरूर दिलाना है कि हमें मास्क जरूर पहनना है. क्योंकि अभी बीमारी गई नहीं है. आप ये सोचें क्योंकि अभी ठंड बढ़ने लगी है. तो इसलिए हमें याद रखना है कि जितना हो सके हमें घर से निकलना अवॉइड करना है. नहीं जाना है बाहर. घर से बाहर नहीं जाना है. जो भी काम करना है अपने घर में आराम से बैठकर पढ़ना लिखना है और मम्मी पापा का कहना मानना है. और दूसरी बात, जब भी मम्मी पापा घर जाएं, घर से सामान लेने कुछ बाहर जाएं, तो उन्हें याद भी दिलाना है कि आपने 2 गज की दूरी रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, भीड़ भाड़ से बचना है और मास्क जरूर लगाना है. ठीक है. कपड़े का कोई जो घर पे बना हुआ जो मास्क होता है, और कम से कम 3 लेयर होनी चाहिए उसमें कपड़े की, 3 या 4 लेयर की जो मास्क होता है ना. घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा होता है. उसमें कोई सुराख उराख ना हो, अच्छा कपड़ा हो, है ना, कॉटन का, तो उससे आप मास्क बना सकते हैं. तो इसलिए हम मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने को बचा कर रखें. ठीक है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद.